संदीप और महक के केस की सबसे पेचीदा चीज हमें ये लगती है कि अगर संदीप का किसी से अफेयर चल भी रहा तो कहाँ, कैसे, किससे। संतोष शर्मा को फोन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिला, उसके मूवमेंट्स में किसी भी तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है ही नहीं, तो फिर हम ये प्रूव कैसे करें कि उसका अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैडम सर, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो हम संभाल लेंगे। मैडम सर, हमें लगता है ये जो धोखेबाज इंसान होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं। अच्छा, इतनी चालाक इसी अपना खेल खेलते हैं ना कि किसी को भनक तक नहीं होती। और इनको बहुत अनुभव है इस बात का। हाँ, अरे शेर के दांत गिनने के लिए खुद उसका जबड़ा खोलकर देखने की जरूरत क्या है? चिड़ियाघर में जाके उसके उबासी लेने का इंतजार भी तो कर सकते हैं ना हम। ऐसे अतरंगी मिसाल कभी सुनी है? नहीं समझे ना, हम समझाते हैं। मैडम सर, हमने फिल्मों में देखा है ना कैसे धोखेबाज पति अपनी पत्नी को उल्लू बनाने के लिए अजीब अजीब पैंतरे खेलता है। तजुर्बा कहता है हमारा कि कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है, क्योंकि गलती सब करते हैं। जरूरत से ज्यादा चालाक इंसान जरूरत से ज्यादा सबूत भी छोड़ता है। वही तो हम कह रहे हैं कि हमें लगता है ना, हमें खुद को उस पति की जगह पे रख कर देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जो हमारी काली करतूतों की भनक तक हमारी बीवी को ना लगे। हाँ पुष्पा जी, चैट्स डिलीट कर सकते हैं और वो कॉल रिकॉर्ड्स है वो डिलीट कर सकते हैं, या फिर नया फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ऐसे तो पकड़े जाने की टेंशन ही खत्म। नहीं दम है इस बात पे, दम है। मैडम सर हम क्या कह रहे हैं, हम इस बारे में पता लगाते हैं कि एक चक्कर छुपाने के लिए वो इंसान और कितने चक्करों में पड़ रहा है। हाँ ठीक है। पुष्पा जी, हाँ, धोखाधड़ी के मामलों में काफी टैलेंटेड है आप। शुक्रिया। एक मिनट, हमारी तारीफ कर रही है कि ताना मार रही है? घर आने, आइए घर आइए, घर आइए फिर दिखाते हैं आपको। सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं मैडम सर के प्लान को शुरू होने में। 20 मिनट में महक मैडम का फोन चुरा कर संतोष और नेटल्ले के पास होटल अजंता पहुंचाना है, वरना मैडम सर का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कुछ कर बिल्लू। एक्सक्यूज मी, आपकी छड़ी मिलेगी कुछ टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। जिसको दिख रहा है उसको नहीं दिख रहा है कि जो सामने से आ रहा है उसको नहीं दिख रहा है। एक्सक्यूज मी, मेरी छड़ी कहाँ है? छड़ी, सो सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि आपको नहीं दिखता। थैंक यू सो मच। ये आपकी छड़ी। बिल्लू जी कहाँ है? पता ना संतू जी कहाँ है बिलोटा। आराम से भाई साहब, छाती पे थोड़ी चढ़ जाइएगा, आराम से। अरे सर खड़े क्यों हैं सर? मिशन कंप्लीट। अरे हाँ, बोलिए भाई साहब। हाँ एक्चुअली आई हैव वन क्वेश्चन टू यू। संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसोसिएशन। वही है हमारी, तो उनकी एक कॉन्फ्रेंस रखनी है आपके इस अजंता होटल में, तो हमारे अफसर आएंगे वो भी देखेंगे, तो उससे पहले मैं आया हूँ रेट वगैरह तय करने के लिए। अरे सर आप ये रेट लिस्ट लेकर आराम से बैठिए सोफे पे और हम आपके लिए जूस भिजवाते हैं। आप कौन सा जूस लेंगे सर? आम का जूस भेज दीजिए, मैं वहाँ बैठ के अकोमोडेशन देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा सुन बापरे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में है। हेलो, आई एम बिल्लू द स्पाई और नाउ बोलिए मैडम। बिल्ले सुनो ना, हमको गाड़ी का ना गेट खोलना है, बताओ ना कैसे खोलते हैं। आपको कार का दरवाजा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। उसमें लॉक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बस उसमें चाबी डालो और खोल दो। तुम्हारी मैया की सासू मैया, हम आओ, चोरी से खोलना है, चोरी से कैसे गेट खोला जाता है वो सिखाओ हमको, ज्यादा स्मार्ट ना बनो। ओह माय गॉड, महंगाई कम करो, महंगाई बढ़ रही है। करिश्मा मैडम को देखो क्या करना पड़ रहा है।
अमाओ संदीप की गाड़ी के पास खड़े हैं, चोरी से खोलना है, कुछ सबूत इकट्ठे करने हैं, कोई तरकीब बताओ हमको कैसे करना है ये। आपके आसपास देखिए रस्सी वगैरह है क्या? आप ये रस्सी कहाँ से लेंगे? भाई साहब वो कुछ रस्सी वस्सी है क्या आपके पास? रस्सी नहीं मैडम, तार है। अरे वाह बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, दे दीजिए ना वो। हाँ ये लीजिए मैडम। अरे वाह बहुत बढ़िया काम करती है, धन्यवाद भाई साहब। हाँ सुनो, रस्सी नहीं मिला, तार मिला, बताओ क्या करना। फैंटास्टिक। खुल गया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक यू, आई एम बिलू द स्पाय, ओवर एंड आउट। ओह माय गॉड, अरे फिल्म की डायरेक्टर, वो कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो मैंने उनको बताया कि कैसे खुलता है, तार डालो दरवाजे में और उस तार में हुक बनाओ, फिर उसका जो हैंडल होता है उसमें डाल के खींच के दरवाजा खोल दो। अच्छा तो ये बात थी, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। बस आप देखिए आम का जूस नहीं आया है अभी तक। आता होगा सर, वो भेजा है मैंने। हेलो, हाय बेबी, मैं सच में बहुत बिजी था, आई एम सॉरी, आई मिस यू अ लॉट, शाम को मिलते हैं? ठीक है मैं करता हूँ कॉल। संदीप। मैम आप? अरे आप यहाँ आए, हम आप ही के पास आने वाले थे। क्या है कि बहुत फोन लगाया, आपका फोन लग नहीं रहा था तो इसलिए सोचा कि खुद ही आपके पास चले आए। क्या है ना, बात थोड़ा अर्जेंट है। ऐसा क्या हो गया मैम? अरे हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि आपकी बीवी जो है ना किसी अनजान नाम के होटल में गई है अपने प्रेमी के साथ। कल कॉफी हाउस और आज सीधा होटल। 5G का जमाना चल रहा है, कॉफी से पहले प्रेमी मिल जाते हैं, सब एकदम फास्ट सर्विस हो गया है यहाँ पे, बता रहे हैं। जी धन्यवाद, ये रूम की चाबी। आते रहिएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर मैडम गए, कोई बात नहीं, फोन तो लेने आएंगे। क्या 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 सोच कह रहे हैं भाई साहब आप? फोन लगाइए, काम कीजिए, आप उनसे पता कर लीजिए, देखते हैं कि कितना सच्ची और कितना झूठी है। अगर देखिए क्या पता आज उनका मूड और सच बोलने का, क्या पता आपको सब सच आज ही बता दी और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हेलो। अरे भगवान आपका भला करे सर, कितनी आवाजें दी मैंने आपको और मैडम को और आपने सुनी नहीं। अब बात यह है कि मैडम का फोन मेरे पास ही रह गया रिसेप्शन पर, आकर ले जाइए। रिसेप्शन? कौन सा रिसेप्शन? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, कुछ ही देर पहले तो आए थे, 2 घंटे के लिए रूम भी बुक किया था। अरे अजंता होटल से बोल रहा हूँ, अजंता होटल से। होटल में देखा, कहा था ना हमने कि धोखे का खासियत होता है, वो इंसान दे देता है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं। बताइए, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? फेस टू फेस अपनी बीवी से बात करने, आज सब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। अब सब धोखा दिए जा रहे हैं, तू भी धोखा दे दे। क्या हुआ मैम, प्लीज थोड़ा धक्का दे दोगे? हम तो पा गए हो क्या, पुलिस है हम, धक्का मारने लगेंगे क्या सबकी गाड़ियों में? आप कहाँ जा रहे हो बताओगे?
मिशन कंप्लीट। संतोष जी आई एम विद द स्पाय ओवर एंड नाउ काम हो गया है। जी बताइए कौन सा पसंद आया? एक्चुअली हम बुक नहीं कर सकते क्योंकि हाँ अरे हाँ बिल्कुल संभाल के रखिए। हमने इतना आवाज दिया आपको। मुरारी मुरारी यार धन्यवाद भाई। आइए आते रहिएगा सर। जान दे करूंगा मैं, मर जाऊंगा मैं, अभी मर जाऊंगा। हट जाओ, सब हट जाओ आगे से। आज मुझे जान देने से कोई नहीं रोक सकता। अरे क्या कर रहे हो, पगला गए हो क्या? नीचे आ जाओ, चोट वोट लग जाएगी। चोट तो मुझे पहुंचाई है मेरी बीवी ने, धोखा देकर मुझे। ये देखिए इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ, और उससे बड़ी और चोट क्या हो सकती है मैडम? क्या फायदा ऐसी लाइफ का, मुझे नहीं जीना, नहीं जीना मुझे। देखो नीचे आ जाओ, बेवकूफी मत करो वरना। खबरदार खबरदार, किसी ने ऊपर आने की कोशिश की मैं कूद जाऊंगा, बता रहा हूं। संदीप नीचे आ जा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, नीचे आ जा। तो आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? नीचे आइए प्लीज। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम्हारी वजह से ही मैं ये सब कर रहा हूँ। धोखा दिया है तुमने, चीट किया है मुझ पर। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, मैं मर नहीं जाता हूँ। नहीं बेटा नहीं नहीं, मैं माफी मांगती हूँ, तुम नीचे आ जाओ प्लीज प्लीज। नो नो नो, जान इज वेरी प्रेशियस। जो सुसाइड करने वाला है उसका मामा है सुबह घाई। इधर आओ। शाबाश। एक आदमी उधर खुदकुशी कर रहा है, तुमको गंदा मजाक सुन रहा है। मार इस बिल्ली भाई, मार दे। मैं बता रहा हूँ, पूछ जाओगे। पूछ जाओगे। मजाक कर रहा है यार। सब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। पुष्पा जी तुमने कुछ सीख नहीं किया, मैं तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं नहीं जीऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। मैडम जी आप समझाइए उसे कि जो समझ रहा है वो सच नहीं है। संदीप तुम्हारी बीबी ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया बेटा, ये सब एक नाटक था, ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए हम पुलिस वालों के साथ मिलकर कर रहे थे। क्या? हाँ ये बिल्कुल सच कह रही है, ये सब कुछ एक नाटक था। तुम्हारी बीवी का कहीं किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा है। इनफैक्ट जो तुमने देखा वो तुम्हारी बीवी थी ही नहीं, वो हमारी कांस्टेबल थी संतोष शर्मा। हाँ और जो कैफे में मेरा बॉयफ्रेंड था वो हमारे थाने का कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी है। चीता चीता जल्दी आओ। अरे पहचाने? हाँ हाँ बाबू हम ही। अरे यार सब लोग बोल रहे, इतना रिक्वेस्ट कर रहे, आ जाओ नीचे यार। अच्छा बच्चा हो, नीचे आ जाओ। ये सच में नाटक था, संतोष शर्मा जानबूझकर इस तरीके से तैयार हुई थी कि पीछे से और थोड़े फासले से वो तुम्हारी बीवी महक की तरह लगे। क्यों क्यों किया आप लोगों ने ये नाटक? क्योंकि हम तुम्हें एहसास दिलाना चाहते थे कि जब कोई अपना खास तौर पर अपना लाइफ पार्टनर धोखा देता है तो कितनी तकलीफ होती है। पर मुझे क्यों दिलाना था ये एहसास, मैंने कौन सा अपनी बीवी को धोखा दिया? अरे सारे सवाल वहीं से करोगे, तुम्हारी तरफ देखते देखते हमारी गर्दन अकड़ गई। नीचे आ जाओ, आओ नीचे आओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे जवाब दो, मैंने क्या किया ऐसा? अब झूठ बोलकर क्या फायदा बेटा, अब तो ये बात मान ले कि तेरे बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कितने दिन तू मेरी फूल सी बहू को धोखा देते रहेगा? तुझे तेरी उसी घटिया हरकत का एहसास दिलाने के लिए हम सब ने ये मिलकर। कौन सी घटिया हरकत, कौन सा धोखा दिया मैंने? किसने कहा आपको कि मेरा बाहर चक्कर चल रहा है? कहने की क्या जरूरत है, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। मां बताओ तो सही कि क्या सुना आपने? यही कि तू छुप छुप कर कमरे में अकेले जाकर फुसफुसाता है, आई लव यू बीबी, आई मिस यू डार्लिंग। मेरे बाबू ने थाना छाया, मेरे बाबू थो गया, तू नहीं तो और कौन कर रहा था? हे भगवान। माँ एक मिनट रुको, मैं आता हूँ नीचे, बताता हूँ आपको, रुको। अरे माँ माँ एक बार पूछ तो लिया होता मुझसे, तो इतना बड़ा तमाशा नहीं बनता हमारे घर का इस सारी दुनिया के आगे। पर अब जिस लड़की की बात कर रही है ना, वो लड़की नहीं, वो एक ऐप है। ऐप और अब जिस लड़की की बात कर रही है ना, वो लड़की नहीं, वो एक ऐप है। ऐप
और मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा, ना ही मैं आपकी बहू को धोखा दे रहा हूं। लीजिए मैं दिखाता हूं आपको। हेलो बेबी। हाय बेबी। मेरे बाबू ने थाना थाया? ये बाबू थाना नहीं थाता। देखा, इस ऐप से बात किया करता था मैं, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे एक दोस्त के चाचा की ऐप है और वो इसे रिलीज करने से पहले इस पे टेस्टिंग कराना चाहते थे और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने जानने वालों को दी थी। क्या माँ, और आप लोग भी? ये आपने क्या किया माँ, अपने ही बेटे पे शक किया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर। आपको तो मैं फिर भी माफ कर दूंगा माँ, लेकिन ये महिला थाने वालों को तो, इनको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। पुलिस वाले होकर बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई का पता लगाए इन्होंने जो हरकत की है ना, इसके लिए तो मैं इनकी रिपोर्ट करूंगा, ऊपर तक जाऊंगा मैं। मीडिया में ना इन गैर जिम्मेदार पुलिस वालों को मैं एक्सपोज करूंगा, सारी दुनिया को बताऊंगा मैं कि इस महिला पुलिस थाने में रिश्ते जोड़े नहीं, अपनी बेवकूफ की वजह से तोड़े जाते हैं। अरे ये क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रुको इधर, सब सब चुप। और तुम, तुमको मरने का बहुत शौक है ना, तो तुमको अभी मार देंगे हम। तुम्हारे भेजे के अंदर एक बुलेट जाएगा, तुम ऊपर पहुंच जाओगे, समझो हमारी बात को। झूठ बोल रहा है ये आदमी, ये देखिए तुम्हारे करतूत इसमें है। कुछ याद आया? आया ही होगा ना, तुम्हारी करतूते जो है इसमें। मैडम सर इसी फोन से बात किया करता है, जो भी है इनकी, इसमें सारे कॉल रिकॉर्ड्स है, इसमें सारे मैसेजेस है, इसमें सारे वीडियोस है, सारे सबूत है। पुष्पा जी का एक्सपर्ट ओपिनियन बिल्कुल ठीक था, इसका चक्कर है किसी और के साथ और ये दो फोन रखता है ताकि इसके फोन के बारे में इसकी बीवी को पता ना चले। माँ ने कहा था मुझसे, पर मैंने यकीन नहीं किया। सॉरी। मैंने सोचा कि प्यार है तो शक कैसा, और अगर शक है तो प्यार कैसा। अगर आप मुझे एक बार कह देते ना कि मैं अपने शादी में खुश नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, मैं सच कहती हूँ, मैं ना आपको खुशी खुशी छोड़ देती, मैं आपकी जिंदगी से निकल जाती। वो शादी ही कैसी जिसमें सच बोलने के लिए भी आपको बहुत बार सोचना पड़े। आपने क्यों किया ऐसा, मेरी क्या गलती थी? महक मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। महक प्लीज मुझे माफ कर दो, महक प्लीज। महक मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। महक प्लीज मुझे माफ कर दो, महक प्लीज। तजुर्बा कहता है हमारा, बाहरी खूबसूरती मतलब सिर्फ चार दिन की चांदनी, लेकिन रूह की खूबसूरती मतलब जिंदगी भर की रोशनी। यही तो होती है इंसानी फितरत। क्या है ना कि जब कोई चीज हमें मिलती नहीं है तो वो बहुत ज्यादा कीमती लगने लगती है, लेकिन एक बार हासिल हो जाए तो वैल्यू खत्म। लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन हमें लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे ज्यादा नाजुक होता है। अगर इसमें रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए तो रिश्ता भी खत्म। तू संग दिल है दर्द तो देगा ही, ये जानते हैं हम, लेकिन हम भी अपने बर्दाश्त की जद देख रहे हैं, इसीलिए संभालिए अपने इस रिश्ते को। ये वो पौधा है जिसे बहुत जतन से प्यार से संभालने की जरूरत होती है, जरा सी लापरवाही हुई नहीं ना कि ये मुरझा जाता है। महक हमें लगता है कि तुम्हें संदीप को माफ करके एक मौका और दे देना चाहिए, लेकिन डिसीजन ये तुम्हारा है। महक अपने लाइफ पार्टनर का भरोसा टूटने का दर्द मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिसे तुम्हें फिर से इस दर्द से गुजरना पड़े। और माँ आप भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
मैडम जी, आज आपकी वजह से मेरे बच्चों का घर टूटने से बच गया। आपको और आपके थाने को जितनी भी दुआएं दूं कम है। और मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ कि आपको हमारी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। मैडम जी, हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप और आपका थाना हमेशा बना रहे, आप इसी तरह लोगों के दुख कम करें और लोगों के घर टूटने से बचाते रहें। आप सबके लिए ये तो बनता है।